हमस बनाने के लिए काबुली चना को बॉईल करके लिए है, उसमें लहसुन, हरी मिर्ची और दही और नमक और जो तेल आप खाते हैं वो तेल जब बन जाएगा तो इसमें नींबू थोड़ा डालेंगे, बहुत टेस्टी लगता है। बनाते हैं आप देखिए। जो मिक्सी में पीस देंगे सबको साथ में, एकदम पेस्ट, एकदम बारीक पेस्ट होगा, एकदम क्रीमी। थोड़ा तेल मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं, इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसी के साथ पीसेंगे। अंदर थोड़ा दड़ा है, एकदम टेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल पेस्ट हो गया है, देखिए एकदम क्रीमी बना है। अब इसको निकाल लेंगे हम, सब चीज डाल दिया है, बहुत टेस्टी लगता है। ये डिप हुआ, उसके साथ हम फलाफल बनाएंगे। फलाफल भी काबली चना का ही बनता है, उसका भी रेसिपी आपको हम बता रहे हैं, बताएंगे। रेडी हो गया है, इसमें पीस लिए हैं सारे को, और इसमें अब नींबू डालेंगे थोड़ा। इसको मिक्स कर देंगे, हमस बन के तैयार हो गया है खाने के लिए। आप भी बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप भी बनाइए, खाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मेरा रेसिपी कैसा लगा। आप इसको पापड़ी किसी की चीज भी खाइएगा तो अच्छा लगेगा। ये फलाफल हम बना रहे हैं, फलाफल पकोड़ा, ये डिप ऐसा काम करता है, ये डिप ही है। आप भी बनाइए, खाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। फिलहाल फलाफल बनाने के लिए मैं लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और काबली चना को इसको पीस लेंगे। उसके बाद इसमें प्याज, धनिया पत्ता ये सब मिला के बनाएंगे। ये पीस लिए हैं काबली चना और हरी मिर्च, लहसुन, अदरक सबको पीस लिए हैं। अब इसमें प्याज मिलाएंगे हम, धनिया पत्ता भी मिलाएंगे। और इसमें नमक और थोड़ा बेसन मिलाएंगे बांधने के लिए, स्वाद अनुसार नमक।
और बेसन मिलाएंगे इसमें थोड़ा। सबको अच्छे से मिला लेंगे, फिर इसको कबाब की तरह बनाएंगे। इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, फ्राई करके भी बना सकते हैं, आपको जिस तरह सुविधा मिले उस तरह आप बना सकते हैं। इसको तो हाथ से अब मिला लेंगे थोड़ा अच्छे से। इसको इस तरह गोल गोल बना के आप तेल में फ्राई करके भी खा सकते हैं और एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। इस तरह गोल गोल बना के इसको फ्राई किया जाता है। तेल गरम हो गया है, इसमें फलाफल जो बनाए हैं इस तरह राउंड बना बना के तेल में फ्राई करेंगे इसको। आप जो तेल खाते हैं मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं, आप जो तेल खाते हैं उसी में आप बनाइए। रिफाइन में बना सकते हैं, ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें आप बना सकते हैं। तरफ ब्राउन हो गया है, अभी इसको पलट देंगे हम। फ्राई हो गया है, देखिए कितना अच्छा करारे बना है। इसको अब निकाल लेंगे। फलाफल बनाए हैं और ये हमस के साथ और प्याज और मूली के साथ आप भी खाइए, बनाइए, खाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए कि मेरा रेसिपी कैसा आपको लगता है। और भी रेसिपी मेरे चैनल पर दिए हुए हैं, स्नैक्स, समर ड्रिंक, वेज नॉन वेज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सबका रेसिपी डाला हुआ है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।